जो हमने सोचा था भाई गाड़ी वैसी ही लग रही है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैसी लग रही है। थोड़ा सा पीस कटवाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत टायर टच हो रहा है, तो जिसके चक्कर में हम टायर रोटेट नहीं कर पा रहे पूरा। ना करो भाई ऐसा, ना करो वीर जी, तक्का ना करो वीर जी, तक्का ना करो। भाई अभी अपनी वाली थार में बैठे हैं, थोड़ी बाहर को निकालने के लिए गाड़ी तो इसको अपने साइड की है, तो अब इसको अंदर करेंगे, फिर इसका जो अपग्रेड जोन है वो होंगे और फिर दिखाते हैं इसकी आपको फाइनल लुक। भाई मैं आपको कुछ स्पाई शॉट दिखा देता हूँ जो हमारी थार लगने वाली है, तो कुछ कुछ आपको हमारी ये थार कुछ ऐसी ऐसी दिखेगी। तो भाई मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अब होने वाला काम शुरू। A few moments later. वो मोमेंट आ गया जो हमने सोचा था, भाई गाड़ी वैसी ही लग रही है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैसी लग रही है। तो भाई ये रही अपनी थार, भाई लग रही है ना हाहाकार। भाई ये देखो कितना बाहर है टायर, इतना रहेगा टायर बाहर जितना हुआ बस इतना ही रहना चाहिए। ये हमारी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ पहले आपको, तो ये रही अपनी थार की साइड प्रोफाइल। 2 इंच लिफ्ट किट लगी है भाई इसमें, और बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई लग रही है ना भाई एक नंबर। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और भाई आपको शॉकर्स नीचे दिख जाएंगे, ये देखो रेड कलर के हैं। भाई मेरे को तो ना थू थू नजर ना लग जाए, भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया मेरे को यार। ये फ्यूल के जो अलॉय बने हैं ना भाई, ये बने ही थार के लिए, भाई कितनी खतरनाक लुक आ रही है ना, कितनी खतरनाक, मज़ा आ गया देख के। वीडियो में सही में नहीं जस्टिस हो सकता है, गाड़ी कितनी ऊंची और कितनी ज़बरदस्त लग रही है, सीरियसली भाई मज़ा आ गया। MMG करता है भाई काम, मतलब सेम तो है। तो भाई MMG वाले पाजी भाई क्या काम करते हैं, सीरियसली भाई। जो अभी तक YouTube वीडियोस में देखा था अपने अश्विन सिंह टक्यार पाजी, अपने अश्विन पाजी, और जो जो गाड़ियों में काम हुआ है अपन ने सब देख के फिर हम यहाँ आए थे, भाई मज़ा आ गया सीरियसली देख के। तो भाई अभी ये मज़ा हम चंडीगढ़ लेके जाएंगे अपने साथ। भाई फ्रंट चेक करो भाई, अब थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लगेगा। देखो भाई आराम से लेटा है नीचे, और हाइट आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। तो भाई ये कुछ हाइट आ गई अपनी गाड़ी की, ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो अब अलाइनमेंट वगैरह कराएंगे, बैलेंसिंग ऑलरेडी टायर की होके आ गई थी, अपना अलाइनमेंट वगैरह करवा के और फिर निकलेंगे अपना वापसी घर को। तो भाई अभी जाने लगे हम अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने, बैलेंसिंग हो रखी है अलाइनमेंट कराने, और भाई वो कड़ी थी गोल्डी भाई की अपनी थार कराने, फिर अलाइनमेंट करा के वापस यहाँ पे एक बार आना है, एक छोटा मोटा काम है उसको करा के एकदम टिच करा के गाड़ी, फिर निकल जाएंगे अपना घर की ओर। तो चलते हैं अलाइनमेंट कराने, और अभी तो गाड़ी ऊपर को गड़ी है, जब सीधी चलेगी तब पता लगेगा कितनी ऊंची है। छोटा सा सीन है भाई, अब हमें ना थोड़ा सा ये पीस कटवाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा पीस कटवाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत टायर टच हो रहा है, तो जिसके चक्कर में हम टायर रोटेट नहीं कर पा रहे पूरा, तो उसे कटवाते हैं फिर हम जाएंगे आगे अलाइनमेंट कराने। तो पाजी अभी यहीं पे इसको प्रॉपर सेट कर देंगे जैसे पाजी ने मार्क लगाया, तो ये होने के बाद फिर चलते हैं आगे। तो भाई सारा काम हो गया, अब बस अलाइनमेंट रह गया जो कि हम कराने जा रहे हैं। जो कटने वाला पार्ट था ये देखो, अब देखो ये काट दिया है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काटने वाला काट दिया, अपन ने सेट कर दिया, वापस वहाँ जाकर प्लास्टिक वेल्डिंग वाला काम करा देंगे। अब ओके हो गया भाई, कहीं टच टुच नहीं हो रही, एक नंबर काम हो गया। तो भाई अपना अलाइनमेंट कराने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको एक क्लिप दिखा दूँ बैक प्रोफाइल की, भाई थोड़ा बहुत मैनेज करना है। तो भाई ये लग रही है अपनी थार साइड से, भाई लग रही है, भाई लग रही है कसम से, मजा आ रहा है देखकर। वाह नजारा आ गया, आप देख सकते हो जिमनी लिफ्टेड और अपनी थार लिफ्टेड, दोनों कंपेयर हो रही है। वो पाजी गड्डी है, पाजी हमें क्योंकि लेके आए हैं बताने के लिए कहाँ पे हमने करानी है अलाइनमेंट, तो चलो कराते हैं अलाइनमेंट। मैंने भी अपनी गाड़ी की पोल्यूशन करानी है यार, तो फिर निकलेंगे आप लोग घर को।
हमें रास्ते में दिख गया सैमसंग, फोन ले लो गाइस भाई, बहुत बड़ा प्लांट है भाई, बहुत बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पे फोन वगैरह ही सैंपल होता होगा, क्या पता भाई क्या बनता है, पता नहीं भाई, बहुत खतरनाक है। लेकिन यस, तो चलो चलते हैं रास्ते में, जो जो होता है बढ़िया वो आपको दिखाते चलते हैं हम लोग। पहुँच गए थे इस जगह पर अपनी अलाइनमेंट कराने, तो अलाइनमेंट कराते हैं भाई फिर निकलते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया। अब अपन लोगों को पहुँचना भी है टाइम से पहुँचेंगे तो ही शहर में घूम पाएंगे और दिखा पाएंगे भाई जो मेन अपने को काम लग रहा है। तो चलो फटाफट करवाते हैं और पहुँचते हैं फिर अपने शहर। तो भाई अभी अलाइनमेंट हो रही है, लग रहा है खासा टाइम, एक बार प्रॉपर हो जाए फिर निकलेंगे हम लोग कुछ खाकर वापस। अभी बीच में एक शायद और काम भी है, हमने जो अपने फुट रेस्ट को कट किया था तो उसको थोड़ा प्लास्टिक वेल्डिंग से सेट कराना पड़ेगा, तो यहीं पे कहीं पे करा के निकलेंगे उसको। तो चलो पहले इसको होने देते हैं फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। तो भाई अलाइनमेंट अपनी हो गई है और अब आए थे भाई ये चीज़ ना हमने कटवाई थी तो इसको सेट कराने आए हैं, और ये हमारे कटिंग करानी थी, कराई थी इसकी, तो इसको प्लास्टिक वेल्ड कराएंगे तो बढ़िया सा प्रॉपर हो जाएगा, फिर ही निकलेंगे एक बार, क्योंकि टायर पूरा काटने में ना थोड़ा बहुत ये देखो लग रहा होगा पता, ये टच हो रहा है, तो इसको प्रॉपर सेट करा देंगे फिर निकलेंगे, नहीं तो टायर ख़राब होने का भी डर होता है यार। पर ये ऑफ सेट टायर होने का नुकसान देख लो, ये देख लो थोड़ा सा ही पानी में निकली और अभी से ही इतनी गंदी हो गई है, ये एक प्रॉब्लम तो रहेगी, पर चलो कोई बात नहीं, लुक तो आ रही है ना। तो भाई पाजी की गाड़ी का आप सुनने लगे हैं हम एग्जॉस्ट मूविंग मेटल गैरेजेस। बड़ा लाउड है, तगड़ा ही है ये। तो भाई क्या क्या काम हुआ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी देर होगी मैंने शूट नहीं किया था, थोड़ा थक सा गया था। तो अपनी ये एरिया कट हुआ है क्योंकि ये टायर यहाँ पे टच हो रहा था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और ये अपना जो फुट रेस्ट है इसका एरिया अपन लोगों ने बढ़िया से ये जो फुट रेस्ट वाला एरिया बढ़िया बंद करा दिया है, यहाँ पे बस प्लास्टिक लगा दी है, इस पर आप ब्लैक स्प्रे या पेंट मार देंगे एंड ओके हो गया काम यहाँ वाला। और सेम चीज़ दूसरी साइड हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो कटिंग हो गई, अब इसको प्रॉपर थोड़ा सेट करके और बढ़िया शेप दे देंगे, उसके बाद हम जाने के लिए रेडी हैं। बस ये थोड़ा सा छोटा मोटा काम है, बस यार निकलेंगे यार, बहुत बस यार निकलने का हो रहा है क्योंकि यार बहुत लेट हो गए हैं, और ऑलरेडी टाइम क्या हो रहा है, ऑलरेडी 5:34 हो गया भाई। तो देखो कब पहुँचेंगे घर, जितना सोचा जल्दी होगा उतना ही लेट हो गया भाई, कहाँ सोचा था 1 बजे तक निकल जाएंगे और 5:30 हो गए यहीं पर, और हमें जाने में ही 5-6 घंटे लगेंगे, पता नहीं कब पहुँचेंगे, अब तो लेट हो गया भाई, सब लेट हो गया, बट चलो काम हो रहा है बढ़िया। ये क्या होता है? तो नीचे वाला क्या होता है सिस्टम? चेचिस होती है, छेड़ नहीं सकते हम चेचिस गाड़ी की। तो ये भाई ये देखो ये आराम फरमा रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं बाहर सारा, मतलब क्या करें यार, देखो अब खुद खड़े होकर काम कराना पड़ता है क्योंकि ये सब नहीं कुछ कर रहे भाई, और मैं ही मतलब लगा हुआ था कब से, तो फिर मैंने शूट ही नहीं कर पाया इस चक्कर में। चलो कोई ना, काम बढ़िया होना चाहिए बस, काम चाहे कोई भी करवाए, चलो जो होता है मिलते हैं आगे। गाड़ी देख के तो मज़ा आ गया, बस अपने अब क्या करना है, हमने ये सोचा था कि हम टाइमली पहुँचेंगे तो लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे यार, तो इस वीडियो में वो भी डालना था, तो अब देखेंगे वीडियो शायद थोड़ी लेट हो जाए इस चक्कर में, तो देखेंगे इसी में डालेंगे कि उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बढ़िया, क्योंकि हमारे पूरे ट्राई सिटी में ऐसी गाड़ी नहीं है, ये फर्स्ट गाड़ी होने वाली है और मज़ा आने वाला भाई, सीरियसली मज़ा तो अभी भी आ रहा है और लोगों को भी इसको गाड़ी को देख के बहुत मज़ा आएगा, देखो भाई। और मैं आपको टायर प्रोफाइल बता दूं, कई लोगों के बाद में कमेंट्स आएंगे, तो भाई ये है हमारा टायर साइज़, अरे यार मेरे को भी समझ आ रहा, R22 22 inches, और कहाँ गया यार, और ये 35.5 inch, 35.5 inch है ना प्रोफाइल, तो 35.5 inch की हाइट है टायर की, और अलॉय मैंने आपको बता दिया 22 inch का ये है, तो कोई भी भाई 22x12, और भाई देख लो कितना ज़्यादा ऑफसेट है अलॉय की, गंदा कर रहा है।
हाँ -45 तो भाई यही है सीन इसका। तो जो भी जिसका भी क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वरना बाद में आते हैं लोगों के कमेंट्स अपने भाइयों के कि भाई क्या है इसमें टायर प्रोफाइल। तो भाई ये है टायर हमारा रडार का, ये और यस, और ये नाम आ गया हमारा रडार और दिस इज फ्यूल। तो भाई फ्यूल कॉन्ट्रा है अलॉय, आधे ज़्यादा लोग जानते हैं इसको। और भाई ये लोग ना बहुत टाइम लगा रहे हैं, देखो यहाँ की गाड़ियाँ पहले कर रहे हैं, हमें नहीं फ्री कर रहे हैं। यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर लग लिया इतना सा काम करने को, चलो क्या कर सकते हैं। और भाई ये देख सकते हो यार, ये जब से गाड़ी में बैठा है, इसी में बैठा है यार, हम काम करा रहे हैं, ये हिल ही नहीं रहा यहाँ से। तो चलो कोई ना, काम तो कराना ही है, कोई ना कोई कराए। तो भाई ये देख सकते हो आप, ये भी बढ़िया से फिट करा दिया है। और इधर भी थोड़ा ना उन्होंने ग्राइंडर से थोड़ा टेढ़ा काट दिया था, तो ये थोड़ा ऐसा ही रहेगा। और ये देखो ना पूरा फिट हो गया प्रॉपर, और ये भी अपनी फिटिंग हो गई है। तो भाई अब निकलते हैं यार बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे अपने घर की ओर, और दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। ये अपने क्या किया, हम एक्सप्रेसवे से आगे थे बारो बार, और भाई हमें ये दिख गया हाईवे पे, भाई देखना इसका क्या हाल किया हुआ है। वॉशिंग मशीन डाल दिया ऊपर से, पिछले वाले टायर की प्लेसमेंट देखो कैसे हो गए हैं, अंदर की तरफ से घिस रहे हैं भाई पूरे, इतना माल लोड कर दिया इसकी छत पे। भाई टाटा की है, ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो वीर जी, तक्का ना करो वीर जी, तक्का ना करो। तो भाई अपन हाईवे के अपा बीच में रुक गए हैं। तो भाई पीछे ना एक वेंटो खड़ी हुई थी, भाई उनका टायर पंचर हो गया था, तो वो लोग रोक रहे थे, तो हम लोग रुक गए। तो उनके पास पाना नहीं था, तो किस्मत अच्छी थी कि अपनी गाड़ी का पाना उनकी गाड़ी में लग गया, तो भाई लोग खुश हो गए, उनकी हेल्प भी होगी। और मैं चलो कोई ना 5-10 मिनट की बात क्या ही है यार, कोई हाईवे परेशान हो रहा है उसकी हेल्प हो जिससे बढ़िया क्या ही है, अगला भी पूरी रात परेशान हो कोई रुके ना रुके। हमने सोचा चलो हम ही देख लेते हैं क्या पता लग ही जाए, और किस्मत से लग गया उनका, उनकी किस्मत अच्छी थी, तो उनका करवा देते हैं हेल्प। और वो देखो पीछे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा उनको रिकॉर्ड करना कि भाई को तंग करना। वो देखो वो खड़ी गाड़ी वो लगा रहे हैं, तो अपना स्टेपनी वगैरह लगवा देते हैं उनकी, और फिर निकल जाते हैं अपना वापस घर की ओर। ये माला पहुंचने वाले हैं, और हमें बीच में मिले हैं स्टंटर्स, सालों की वीडियो मेरे में दिख नहीं रहे। तो ये देखो भाई स्टंटर मिल गया हमें गाइस। तो यार टाइम हो गया है 11:05, तो अब घर पहुंचने वाले हैं, बस ज़ारा सा ही दूर है, अब बस घर पहुंचेंगे यार, सोएंगे। नींद आ रही है भाई, अब नींद भी नहीं आ रही इतनी, बट वो कह रहे हैं ना बॉडी टायर्ड हो जाती है, वो हो गई है, क्योंकि भाई 3 बजे के जागे हुए हैं सुबह, और इस टाइम रात के 11 हो गए हैं, तो बस ज़्यादा दूर नहीं है। वही है 4 घंटे रह गए 24 घंटे होने में जागे जागे, और हम पूरा टाइम पूरा ऐसा भी नहीं था कि हमें रेस्ट मिला, भागा दौड़ी चल रही थी। तो चलो घर चलते हैं यार, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।